हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल में दोड़ो ब्लॉग्स के अंदर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फाइनली दोस्तों, राजदूत बाइक एक बार फिर से इंडियन मार्केट के अंदर रिलॉन्च होने वाली है, जो कि मैंने कुछ दिन पहले आपको वीडियो बना के बताया था। एक अनुमानित आपको मैंने बताया था कि राजदूत बाइक इंडियन मार्केट में आ सकती है, लेकिन दोस्तों राजदूत बाइक का सोर्सेस से पता लगा है कि इसका लॉन्च इंडियन मार्केट में अब कन्फर्म हो चुका है। तो भाई, अब लॉन्च कन्फर्म होने के बाद में इसमें अपने को क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, साथ ही दोस्तों प्राइस क्या रहने वाला है राजदूत बाइक का इंडियन मार्केट के अंदर, इसके अलावा दोस्तों बाइक को कब तक इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, सारी बातें वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लुक्स के बारे में बात करते हैं। तो लुक्स तो आपको वही क्लासिक डिज़ाइन के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसका सीधा सीधा कंपैरिजन रहने वाला है दोस्तों रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 से। वहीं पे दोस्तों लाइटिंग सेटअप के बारे में बताऊं तो इस बाइक का मैंने आपको बताया कि क्लासिक लुक रहेगा, तो लाइटिंग सेटअप भी आपको हैलोजन में ही देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों, फ्रंट में आपको राउंड शेप के अंदर हैलोजन हेडलाइट देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इसके जो इंडिकेटर टेल लाइट हैं वो भी आपको हैलोजन बल्ब के अंदर मिल जाएंगे। दोस्तों इंजन के बारे में इसमें बात करते हैं, तो वही आपको 350cc का ऑयल कूलिंग इंजन देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी पावरफुल इंजन रहने वाला है, जिसकी पावर आपको लगभग 35 से लेकर 37 BHP तक की मिलने वाली है। दोस्तों ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बताऊं तो इसमें आपको ड्यूअल चैनल एबीएस के साथ में ड्यूअल डिस्क वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ में आपको सेफ्ट वाइज साइड स्टैंड कट आउट सेंसर भी देखने को मिलेगा। दोस्तों वहीं पे दोस्तों इसकी मीटर कंसोल के बारे में बात आती है, तो इसमें आपको फुली एनालॉग मीटर देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि भाई आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको यूएसबी चार्जिंग पॉइंट भी देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने फ़ोन वगैरह को चार्ज कर पाएंगे। सस्पेंशन की बात आती है तो दोस्तों इसमें फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और रियर में आपको ट्विन शॉक्स एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलने वाला है। माइलेज के बारे में बताऊं तो भाई देख, माइलेज तो आपको कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि माइलेज के मामले में तो इस बाइक को डिसकंटिन्यू ही किया गया था, तो माइलेज इसका थोड़ा बहुत अप्रोक्स बढ़ाया गया है, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा माइलेज मिलेगा नहीं। 30 से लेकर 35 KMPL तक का माइलेज मिलने वाला है। बाकी दोस्तों 5-स्पीड गेयरबॉक्स के साथ में ये बाइक आने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं लॉन्च डेट और प्राइसिंग के बारे में। तो दोस्तों इस बाइक का स्टार्टिंग प्राइस आपको देखने को मिल सकता है 1,80,000 रुपये से 2,00,000 रुपये के नीचे नीचे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि इस बाइक का ऑन रोड प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में बात आती है दोस्तों लॉन्च डेट के बारे में। तो जल्द ही इसे इंडियन मार्केट के अंदर रिवील किया जाएगा दोस्तों। जो इसकी लॉन्च डेट है ना, वो इसके रिवील होने के जस्ट 1 महीने बाद में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा, तो इसके रिवील का आप वेट कर सकते हैं। काफ़ी जल्दी आपको इसका रिवील देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट के अंदर। तो दोस्तों, कौन कौन इस राजदूत बाइक का वेट कर रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा, और कौन कौन इसे लेना चाहता है वो भी हमें ज़रूर से बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।